हमें एग्जाम में शेयर्स का लेसन आने वाला है लेकिन वो तो बहुत डिफिकल्ट है मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ अरे ये तो बहुत सिंपल है चलो तो फिर आज मैं आपको सिखाती हूँ कि शेयर्स की एंट्री कैसे की जाती है रिलैक्स नो प्रॉब्लम चलो मैं तुम्हें पूरा लेसन समझा देती हूँ हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं एम कंपनी इशूड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज टेन ईच पेबल फोर थ्री टू वन अब ये फोर थ्री टू वन ये क्या है तो फोर है ऑन एप्लीकेशन थ्री है ऑन अलाटमेंट टू ऑन फर्स्ट कॉल एंड वन ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल जब किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो शेयर्स ईशू कराती है ये शेयर्स हो सकते हैं कि वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कराए या इक्विटी शेयर्स इशू कराए पर अभी हमें जिस बात पे कंसंट्रेट करना वो ये है कि कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो हो सकता है कि वो सारे के सारे पैसे उसे एक टाइम पे ना लगे उसे थोड़ा रुक के पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करती है इन इंस्टॉलमेंट्स पैसे मंगाती है जो पहले पैसा मंगाया जाता है वो होता है शेयर एप्लीकेशन उसके बाद वो मंगाती है जब शेयर्स वो अलॉट कर देती है एप्लीकेंट्स को तो वो जब पैसा मंगाती है उसे कहा जाता है अलॉटमेंट मनी चलिए अभी एंट्रीज करना शुरू करते हैं हम जब भी एंट्रीज़ करेंगे तो हम खुद को बिज़नेस समझ के या कंपनी समझ के एंट्री करेंगे अगर हम लोगों से पैसा मंगा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास पैसा आएगा और ये जो पैसा आ रहा है ये किस नाम पर आ रहा है तो हमारी पहला स्टेज जो है शेयर एप्लीकेशन उस नाम पे आ रहा है तो एंट्री क्या हुई एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन देखिए यहां पे इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं इसलिए हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं अगर क्वेश्चन में आपको वहां पे प्रेफरेंस शेयर्स दिया होगा तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट राइट चलिए अब बारी आती है अमाउंट की अमाउंट कैसे निकालेंगे भैया आपके शेयर्स कितने हैं फाइव हंड्रेड और एप्लीकेशन का मनी कितना है फोर सो इट विल बी फाइव हंड्रेड इंटू फोर विच विलउजेंड टू थाउजेंड ऑफकोर्स नरेशन इज रिक्वायर्ड सो द नरेशन विल बी बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड दूसरी एंट्री के पास चलते हैं ये जो एप्लीकेशन का पैसा हमको मिलता है ये एप्लीकेशन का पैसा हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो इसकी एंट्री क्या हुई इसकी एंट्री हो गई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल यस ऑफकोर्स विद द सेम अमाउंट टू थाउजेंड टू थाउजेंड बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बस आपको यही दो एंट्रीज पास करनी है और याद करनी है बार बार यही दो एंट्रीज हम सीक्वेंस चेंज करके यूज़ करने वाले हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे सेकेंड स्टेज जो है अलॉटमेंट का उसकी ओर अभी देखिए यहाँ की पहली एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल नरेशन विल बी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू अभी हम एप्लीकेंट के पास से पैसा मंगा रहे हम कौन है कंपनी है नेक्स्ट एंट्री अगेन वही वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्योंकि जो हमने पैसा मंगाया था वो पैसा अभी एप्लीकेंट हमको भेज रहे हैं क्योंकि हमने उनको शेयर्स अलॉट कर दिए तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अरे हाँ इसकी अमाउंट क्या होगी फाइव हंड्रेड इंटू थ्री थ्री फॉर द अलॉटमेंट मनी विच विल गिवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड चलिए अगला पैसा मंगाते हैं अगली इंस्टॉलमेंट का विच विल बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू तो इक्विटी शेयर कैपिटल बींग फर्स्ट कॉल ड्यू हम हमारे शेयर होल्डर्स से फर्स्ट कॉल का पैसा मंगा रहे हैं अब जब हमारे शेयर होल्डर्स हमको पैसा दे रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या होगी बराबर है वही बैंक वाली एंट्री विच विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बींग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड येस ऑफ कोर्स द अमाउंट विल बी फाइव हंड्रेड इंटू टू दैट विल बी वन थाउजेंड एंड वन थाउजेंड अब हम हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है सेकेंड एंड फाइनल कॉल उसका पैसा हमारे शेयर होल्डर्स से मंगा रहे हैं सो द एंट्री विल बी इक्विटी शेयर

सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड कुछ समझ में आया ठीक है कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है इस लेसन से रिलेटेड उसकी एक और नई वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे और उसी के साथ इसके एडवांस प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे सो स्टेड चिल